नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपीपीएससी आरओएआरओ की वैकेंसी आने वाली है, तो उससे पहले जो लोग भी फॉर्म भरना चाहते हैं इस बार, तो अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन देता है तो कर लेंगे, नहीं देता है तो एटलीस्ट ओटीआर से आपका फायदा है। वैसे क्या करेंगे आप, एक एक करके एक एक चीजें आप फॉर्म सब कुछ अलग अलग फॉर्म आएगा तो आप अलग अलग भरेंगे, लेकिन ओटीआर से क्या होगा, एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो वहां पे आपके डेटा को ऑलरेडी सर्वर से ले लिया जाता है, बस आपको पेमेंट फी करना होता है और उसके बाद से फॉर्म सबमिट कर लेना होता है। तो जो लोग अभी तक ओटीआर को हल्के में ले रहे थे तो ओटीआर जरूर फिल कर दीजिए। आप वेबसाइट ओपन करेंगे यूपीपीएससी की, यहां वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे एप्लीकेशन पे। अब ये आपका काफी स्लो चल रहा है तो और लंबा प्रोसेस भी है, इसलिए पहले से आप लोग भर के तैयार रहिए कि कैसे ओटीआर करना है। यहां पर देखिए रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ ऑन टाइम, यहां पर आप जब करेंगे ये देखिए आपका प्रोसेस दिया गया है। रजिस्ट्रेशन क्या बहुत बड़ा स्टेप है, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, वेरीफाई आपका जो भी डिटेल डालेंगे वो वेरीफाई होगा, फाइल्स डिटेल होगा, वैलिडेशन होगा, ओटीआर जनरेट होगा, तो ये जाके आपका कहीं ना कहीं आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपका एक तरह से बोला जाए रजिस्ट्रेशन होगा। और जब भी आपका फॉर्म आता है, ठीक है, तो बस आप इसी के थ्रू रजिस्टर करिएगा, वहां चूज करिएगा, आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा पेमेंट करने के बाद। हर डिटेल आपको बार बार भरने की जरूरत नहीं होगी फॉर्म पे, तो यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं। तो जो लोग पहले से ओटीआर रजिस्टर कर चुके हैं वो यहां पर अपना लॉग इन आईडी और ओटीपी डाल के रजिस्टर करके अपना देख सकते हैं कि उन्होंने कौन कौन से फॉर्म फिल किए हैं, उनके जो डेटा है, कुछ चेंजेस करना है अपने जो डॉक्यूमेंट्स में तो वो भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया वो समय रहते कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही आपकी वैकेंसी आने वाली है, इसी माह के अंत तक आपको आरओएआरओ की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं आरओएआरओ की, वो परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें। परीक्षा प्लस ऐप पर इसका प्री कम्स मेंस, मतलब आपको जो बैच चलाया जा रहा है हमारे यहाँ प्री कम मेंस का बैच है, इसका मतलब यहाँ पर आपको मेंस की भी तैयारी होगी, जो आपके लेटर राइटिंग है, ठीक है, ऐसे है, ये सब हम लोग ऑलरेडी कराएंगे, ठीक है। आपका ग्रुप बनाया गया है, वहां पे आपको प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे आपका पर्यायवाची विलोम हो गया, अब मुहावरे लोकंतिया हो गए, अपने शब्दों में प्रयोग करना, तो आपके जो लिखित है एक तरह से हिंदी वाला संभाग मेंस का वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और प्री पर आपकी जो जीएस की क्लासेस है वो भी आपकी स्टार्ट कर दी गई है। तो आप परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल कर लें, वहां से आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं, इसकी डेमो क्लासेस हो चुकी हैं और आपकी जीएस की क्लासेस और हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ मेंस का प्रिपरेशन भी चल रहा है। आपको लेटर हो गया, ऐसे हो गया, संक्षेपण हो गया, गद्यांश का, ये सब आपको लिखना साथ ही साथ बताया जा रहा है। तो मतलब प्री के साथ साथ आपके मेंस की भी तैयारी चल रही है। तो ओवरऑल 6 महीने का आपको समय मिलता है, जब भी आपका वो आएगा एक तरह से बोला जाएगा नोटिफिकेशन, तो 3 महीने में आपका प्री हो जाएगा और 3 ही महीने में आपका मेंस भी कंडक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल नोटिफिकेशन से 6 मंथ का इस वैकेंसी में आपको समय मिलता है। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं आरओ और एआरओ के लिए वो अपनी तैयारी कर सकते हैं परीक्षा प्लस से जुड़कर। तो आज ही प्ले स्टोर से आप लोग परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करिए और वहां से आप हमारे यूपीपीसीएस आरओ आरओ एआरओ, ठीक है, यूपीपीएससी आर ओ ए आर ओ प्री कम्स मेन्स से बैच से जुड़ जाइए। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, जो नंबर हमारा नीचे दिया गया है, और आप जो है कमेंट में अपने जो समस्याओं को बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।